बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहेलियों से आईक्यू लेवल आजमाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपसे चंद मुश्किल और दिलचस्प पहेलियां पूछी जाएंगी जो कि आपके जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। और अगर आपने इनका सही और फौरी जवाब दे दिया तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत चुस्त और तंदुरुस्त दिमाग के मालिक हैं। इन पहेलियों का जवाब सोचने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का वक्त होगा। हमारी इस वीडियो से आप अपनी हाजिर दिमागी का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं और आप ये भी बखूबी जान सकते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। मगर इससे पहले हम आपको बताते चलें कि इस चैनल पर हम ज़िंदगी के तमाम रूहानी मसाइल के हल की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। अगर आपका भी कोई रूहानी मसला हो और इसका आपको हल ना मिल रहा हो तो आप हमारे रूहानी सेंटर में रब्ता करके अपने इस मसले से छुटकारे के लिए वज़ाइफ और कुरानी तावीज़ात हासिल कर सकते हैं। राबता नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं पहेलियों की जानिब। पहेली नंबर एक, ऐसी चीज़ का नाम बताएं जो हमारे नाक पर बैठकर कानों को पकड़ लेती है। जवाब, ऐनक। पहेली नंबर दो, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा समंदर कहाँ वाक़या है जिसमें पानी ना हो? जवाब, नक्शे में। पहेली नंबर तीन, ऐसा कौन सा जानदार है जिसका अगर सर भी काट दिया जाए तो वो 9 दिन तक जिंदा रहता है? जवाब, कॉकरोच। हर एक अपने आप को इससे ढांपे, बड़े से बड़ा पहलवान भी इससे थर थर कांपे। जवाब, सर्दी। पहेली नंबर पाँच, कभी है लाल तो कभी है काले, लाखों बार हैं देखे भाले। जवाब, कोयले। पहेली नंबर छः, कहते हैं इसको आता जाता लेकिन ना वो जाता ना वो आता। जवाब, रास्ता। पहेली नंबर सात, क्या आप बता सकते हैं कि किस मुल्क में च्युइंगम खाने पर पाबंदी है? जवाब, सिंगापुर। पहेली नंबर आठ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है क्योंकि वो खुश्की में खाई नहीं जा सकती? जवाब, गोता। पहेली नंबर नौ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता? जवाब, साया। पहेली नंबर दस, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको सिर्फ आप खुद ही देख सकते हैं? जवाब, आपका ख्वाब। अगर आपने इन तमाम पहेलियों का जवाब ठीक दिया है तो समझ लें कि आप एक ज़हीन इंसान हैं। और जो लोग इनका जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें ख़ुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लिहाजा अगर आपको लगे कि आप दिमागी तौर पर ज़्यादा तेज़ नहीं और भूलने की आदत का शिकार हैं और इस मसले के हल के लिए अपने नाम का फ्री इस्म आज़म जानना चाहते हैं तो अपना नाम और वालदा का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।